फिर से बताने का जरूरत की नहीं है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, डिलीट मारा इसको, ठीक है। दूसरे सीट पे मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ भी चीज़ें ले रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आता हूँ डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। यहाँ पे कस्टम आता हूँ, कस्टम वैलिडेशन, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा मैं, फिर इज एन यू एम बी ई आर बंद, फिर एम ए टी सी एच मैच, ठीक है। फिर स्टार होना चाहिए, फिर एट द रेट हो, और फिर उसके बाद, फिर इसके बाद कुछ भी हो, फिर डॉट भी होना चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही था कि फिर ये ऐसे ही था, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, सही लिख रहा हूँ ना, मेरा याददाश्त थोड़ा कमज़ोर है यार, इसीलिए मुझे डाउट होता है कि सही लिख रहा हूँ ना। ये देख लीजिए, कुछ भी लिख के एंटर करूँगा तो नहीं लेगा, एट द रेट लगा के एंटर करूँगा तो भी नहीं लेगा, इसमें डॉट लगा के फिर कुछ भी लिख दूंगा तो ले लेगा। ये देखिए, तो ये ईमेल वैलिडेशन है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ रखा नहीं, नहीं सारे में करेगा, पकड़ के खींच दूंगा मैं तो सारे में काम करेगा। जैसे क्या करता ना मैं कि पकड़ के खींच देता है ऐसे, तो सारे में काम करता, ठीक है। ये देखिए नहीं ले रहा है, ठीक है। नीचे वाले में वही लेगा, ये देखिए यहाँ पे ले रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं लिया, तो पकड़ के खींच दिया मैं तो सारे में काम करने लगा, ठीक है। यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। क्या चीज लास्ट में जीरो इसलिए लगा है, दिखवा रहा हूँ आपको मैं, मैच फंक्शन के कारण, ठीक है। इक्वल टू एम ए टी एच मैच, ठीक है। रुकिए इसको मैं पहले हटा लूँ, ठीक है। अमित, सुमित, श्याम, इतना मैं लिखा, ठीक है। क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, मैच फंक्शन इसमें लगाया, ठीक है। मैच फंक्शन में पहला क्या लेता है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करते थे, डबल कोट में स्टार एट द रेट देते थे, मतलब एट द रेट के आगे पीछे स्टार, मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है। तो वही यहाँ पे पहला कॉलम लुकअप वैल्यू होता है, मैं इसमें दे देता हूँ सुमित, ठीक है। फिर इसको बंद किया, फिर कॉमा दिया, अब बोल रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में हम सेल एड्रेस देते थे ना ईमेल वाले केस में, अभी ये एरे दे दिया कॉमा, अब बोल रहा है क्या करो, लेस देन मैच करो या एग्जैक्ट मैच करो या ग्रेटर देन मैच करो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट मैच करो कि यही होना चाहिए, ठीक है। अब एंटर कर दूंगा तो बोल दिया दो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो इसको फिर नंबर फंक्शन हम यूज करते थे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मैच नहीं होगा तो क्या होगा जी, जैसे ये लो तो ये आ गया एरर, ठीक है। तो ये नंबर होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग जीरो देते थे लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। कल मैंने बताया था शायद मैच फंक्शन, मुझे याद नहीं शायद बताया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जीरो देते थे, ठीक है। कैलकुलेशन वॉच विंडो, तो डेटा रिव्यू, रिव्यू को देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिव्यू में कुछ उतना ज्यादा खास है नहीं, ठीक है, फिर भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ये है सर्च, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सर्च करता है, जैसे कुछ गलत है तो उसको सर्च करेगा, ठीक है। जैसे ये मैं लिखा है अपने आप करेक्ट कर दिया मैं, कंट्रोल जेड टी ई एच, इसमें ऑटो करेक्ट फिट है इसलिए ऐसा कर रहा है। ये हर समय ऑटो करेक्ट कर देगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है, कि ये गलत है, डिक्शनरी में नहीं है। इसको कर दूं मैं, तो मैं बोला कर दो जी, तो करेक्ट कर दिया ये, ठीक है। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये सब एमएस वर्ड वाला ही है, स्पेलिंग ये ठीक है, ये ट्रांसलेशन वगैरह का है, कनेक्शन वगैरह होता है नेट से तो होता है, जो आपने एमएस वर्ड में देखा था सेम वही है। ये कॉमेंट है, कमेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करेगा। जैसे इस सेल पे कुछ कमेंट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे कुछ कमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउस लाऊँगा तो आ जाएगा, ठीक है।
सिप टेप थ्री में दबाया है तो इंसर्ट फंक्शन कुछ तो था कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन, मैं भूल रहा हूँ अभी, याद आएगा कभी तो बता दूंगा। नहीं मैं भूल रहा हूँ, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ से कमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट या न्यू कमेंट क्लिक करके बना लो यहाँ से कमेंट ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ कमेंट करता हूँ यहाँ से इंसर्ट कमेंट, ठीक है, तो ये आ गया। अब शो ऑल कमेंट पे क्लिक करूँगा तो सारा कमेंट देखिए शो करने लगा, हाइड कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस बोल रहा है, प्रीवियस कमेंट पे जाएं, नेक्स्ट कमेंट पे जाएं, ठीक है, ओके। डिलीट कमेंट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आया डिलीट कमेंट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। शो हाइड कमेंट के लिए बोल रहा है, शो कर देंगे तो ऑल कमेंट शो करेगा, शो हाइड वाले में क्लिक करेंगे तो शो हाइड करेगा कमेंट को, ठीक है। इसको मैं पूरा बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है। कुछ प्रोटेक्शन का हम लोग पढ़ाई करते हैं, प्रोटेक्शन यहाँ पे है, प्रोटेक्ट सीट, मतलब ये सीट बोला जाता है ये वाला को, ठीक है। इसमें आएंगे जी 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 बार 0 दिया हूँ आप लोग को, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, मैं भूल जाऊँगा शायद। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जितने अनचेक हैं, ठीक है, कि लॉक करने के बाद, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये किसी में भी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब चेक नहीं करूँगा तो क्या होगा जी, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, हाइपरलिंक इंसर्ट, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, कुछ नहीं होगा, ठीक। ओके कर दिया मैं, 1 2 3 4 5 6 6 बार 0 था ना, 5 बार था, ये देख लीजिए जी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, सारा डिसेबल हो गया, ठीक। कुछ टाइप तक नहीं करने दे रहा है मुझे ये देख लीजिए। राइट क्लिक करके सोच रहा हूँ कि इसको ही डिलीट कर दूं जी, तो डिलीट मारा तो ये पार हो गया, ठीक है। फिर से जाऊंगा प्रोटेक्ट सीट में, ठीक है, पूरा ये सारा जो है होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आया, बोल दिया जी, फिर से इसी को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, 4 बार 0, 1 2 3 4 4 बार 0 दिया, ठीक है। अभी इंसर्ट कर रहा हूँ तो नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कि कॉलम भी नहीं होगा इंसर्ट डिलीट। लेकिन वही यहाँ से अगर मैं चेक कर दूंगा ना, आया, बोल दिया जी इंसर्ट कर लो कॉलम, रो भी इंसर्ट कर लो, डिलीट कर लो कॉलम, रो भी डिलीट कर सकूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे परमिशन दे दूंगा मैं, ठीक है, ये सारा परमिशन दिया मैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक मैं करूँगा तो सेल को फॉर्मेट का नहीं दिया था ना मैं ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट डिलीट का ही सिर्फ ऑप्शन दे रहा है जी, ये देखिए, ठीक है, सिर्फ इंसर्ट डिलीट वगैरह का दे रहा है, ठीक है। क्या सच में डिलीट हो रहा है, कुछ टाइप करता हूँ मैं, टाइप तो ये करने नहीं देगा मेरे को, अनप्रोटेक्ट करता हूँ, ठीक है। टाइप कर दिया, ठीक है, सीट में आता हूँ, ठीक है, ओके, डिलीट नहीं करने दिया, क्या बोल रहा है, यू आर ट्राइंग टू कंटेंट लॉक कांट बी डिलीटेड व्हाइल वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, कि क्या बोल रहा है जी, इसमें आपने ये लॉक, ये सेल जो है लॉक है, सेल लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ये कुछ बता रहा है, देखते हैं सेल लॉक मैंने क्या। यहीं पे राइट क्लिक मैं करूँगा, ठीक है, जाऊँगा सेल फॉर्मेट में भी नहीं जा सकता मैं, प्रोटेक्ट है ये, ठीक है, अनप्रोटेक्ट कर दिया मैं, राइट क्लिक यहाँ से करूँगा मैं, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाऊँगा तो सबसे पहले प्रोटेक्शन में आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है लॉक, ठीक, इसको मैं अनलॉक किया, ठीक है। अब देखिए प्रोटेक्ट सीट में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्टेड लॉक्ड सेल, ठीक है, तो सेल को मैं अब अनलॉक कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, प्रोटेक्ट सीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, ठीक है, ये लीजिए जी, ओके,
अब यहाँ पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ पर यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों जी? क्योंकि ये सेल जो है अनलॉक में कर दिया था, ठीक है, लेकिन बाकी सेल तो लॉक ही है ना, तो इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं करने देगा जी ये, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ सीट को अनप्रोटेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक उसी तरह से है वर्कबुक का प्रोटेक्शन, ठीक है। ये बोल रहा है स्ट्रक्चर को मैं लॉक कर दूं, मैं बोला कर दूं 1 2 3 4 2 3 4। अब स्ट्रक्चर को जब मैं लॉक कर दिया, क्या मैं लॉक किया था, स्ट्रक्चर या विंडो? स्ट्रक्चर को लॉक किया था। ये देखिए जी, अब यहाँ से जैसे ही मैं लॉक किया ना, ये देखिए ये डिलीट इंसर्ट करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे को, रीनेम भी नहीं करने देगा, हाइड भी नहीं करने देगा, मूव भी नहीं करने देगा, क्या मजाक है, मज़ा नहीं आया, ठीक है, गायब हो गया वो। तो ये ना ही मैं सीट को डिलीट कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ जी, ठीक है। तो वर्कबुक लॉक हो गया था ये 1 2 3 4, ठीक है। अब विंडो को भी मैं लॉक करूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये देखिए लॉक हो गया, अब ये वाला तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा, लेकिन जो ये था ना एक और यहाँ पे दिख रहा था वो गायब हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखिए अभी ये आ गया। मान लीजिए मैं इसको ऐसा किया हूँ, ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रक्चर को मैं लॉक करूँगा ये विंडो को, तो फिर ये ऐसा ही रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देख लीजिए जी, यहाँ से गायब हो गया ना। अब मैं इसको बड़ा छोटा नहीं घटा बढ़ा सकता जी, ये लॉक हो चुका है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो यही है 1 2 3 4, बाकी तो इसमें कुछ और वो है नहीं जो है, अलाउ यूजर एडिटिंग रेंज, ठीक है। तो रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से ऐसे, लेकिन मैं कर भर नहीं रहा हूँ, आप अनलॉक कर लोगे, ठीक है। जैसे जितना रेंज में एडिटिंग आपको करना है ना, सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, जाओगे फॉर्मेट सेल पे, यहाँ से अनलॉक कर दोगे इसको, ठीक है। अभी लॉक्ड है, तो फिर क्या होगा कि जो है उसके बाद आप कर लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 1, प्रोटेक्ट सीट एंड कंटेंट लॉक, अनचेक कर देता हूं जी मैं इसको, अब देख लीजिए जी मैं क्लिक कर ही नहीं पा रहा हूं कहीं, ठीक है। इसको डिलीट कर लूंगा मैं, लेकिन इसको मैं कहीं क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए बोल रहा है नहीं जी मैं कुछ नहीं करने दूंगा, ठीक है, मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ना कॉपी कर सकता हूँ, ना पेस्ट कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख लो, ठीक है। ये देख लीजिए जैसे ही मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, बोल रहा है ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रेफरेंस रीड ओनली, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मेरी ऐसे, ठीक है, ये पूरा लॉक्ड हो गया। अनप्रोटेक्ट करता हूँ मैं इसको 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए मैंने आपका कोई सीक्रेट आपने फार्मूला लिखा है, आप नहीं चाहते कि आपका कोई फार्मूला यहाँ पे लिखा है उसको कोई पढ़ पाए, ठीक है, तो क्या करिए जी, सीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 2 3 4, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कैसे फार्मूला, क्लिक ही नहीं होगा कहीं, ये देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देख लीजिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तो क्लियर ही होगा आप सब लोगों को, क्यों क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब की बार प्रोटेक्ट करता हूँ, तो अभी क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई फार्मूला लगाया होता तो देख लेता यहाँ से ना मैं फार्मूला, तो इसी तरह से आप पूरा लॉक कर लोगे, ठीक है। ये सब तो बड़ा आसान काम है जी, कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, हो जाएगा। चलिए मैं इसको करता हूँ कैंसिल,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बता दे रहा हूँ, एक ट्रैक चेंजेस किया है, ठीक है। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था ना ट्रैक चेंजेस, जैसे कि हम जो लिख, जैसे मान लीजिए ना कि मैं यहाँ ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सेव मैं कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे, बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट वर्कबुक 11 में कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लीजिए कुछ बदलाव कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट होने लगा जी, क्यों, क्योंकि ट्रैक कर रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। अब ये चेंजेस अगर मुझे अगर पसंद है कि चेंज हुआ है तो होने दो जी, मैं किया हूँ तो क्या करूँगा, बोल रहा है कि ये चेंज जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बोल दिया जी ओके कर दो, ठीक है, ओके आल एक्सेप्ट हो गया, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो क्या होगा जी, रिजेक्ट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो यही है ट्रैक चेंजेस, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं जी। मेरा इच्छा नहीं था कि बताऊं, लेकिन फिर चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं ट्रैक चेंजेस वगैरह, ठीक है। ट्रैक चेंजेस को कर देता हूँ मैं यहाँ से नॉट नाउ कंटिन्यू, हाईलाइट यहाँ से कर देता था, ठीक है, ये देख लीजिए जी क्या क्या किया था, दुनिया भर के दिमाग खराब मेरा, लेकिन ये देखने का मन नहीं कर रहा है, ये पूरा हिस्ट्री निकाल के दे दिया जी, ठीक है। तो यही है चेंजिंग वगैरह का, ट्रैक चेंजेस, ठीक है, लिस्ट में किया तो लिस्ट ला के दे दिया, ठीक है, हटा दिया तो हट गया लिस्ट, ठीक है। तो यही है जो है, कैंसल इशू करके मैं डोंट सेव करता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, रिव्यू। बाकी आप लोग देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, ये चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला है आपका नॉर्मल लेआउट, ठीक है, दूसरा है आपका पेज लेआउट, इन सभी को पेज लेआउट में ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये देखिए, ये बता रहा है कि एक एक पन्ना ऐसा है, ठीक है, ये पेज लेआउट में ब्रेक कर दिया जी सभी को, ठीक है। अब पता चल रहा है कि इसमें एक पेज यहाँ से यहाँ तक है, फिर इधर दूसरा पेज है, ठीक है, इधर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है, ठीक है, तो पेज लेआउट में दिखा रहा है। अब यहाँ से क्लिक करके आप मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हो, ऐसे इधर से ऐसे, ठीक है, इसको ले लाओ और नीचे तो आ गया, ठीक है। तो मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हो आप, हेडर फुटर भी यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, हेडर इंसर्ट हो जाएगा, नीचे वाले से फुटर इंसर्ट हो जाएगा, और क्या क्या फुटर हेडर में आएगा वो मैं बताया था आपको, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, बता दे रहा हूँ फिर से। अब हेडर में कुछ ऐसे कर दोगे तो आपका इस तरह से कुछ आ जाएगा जी, पेज नंबर वगैरह, ठीक है। पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो आप हेडर फुटर में, ठीक है। डिजाइन, ठीक है, फुटर भी इंसर्ट हो जाएगा, सीट का नाम इंसर्ट हो जाएगा, लोकेशन इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ जो जो चाहो आप इंसर्ट कर लोगे, ठीक है, ये इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया है, ठीक है। डिजाइन, पेज नंबर में क्लिक करेंगे तो पेज नंबर इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट डेट टाइम पे करेंगे तो यहाँ पे डेट आ गया जी, ठीक है, ऐसे करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिखा नहीं हूँ, ठीक है, एक्सेल में, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जब कुछ मैं लिख दूंगा
तो ये देखिए आ जाएगा, ठीक है, ये दो बार पेज नंबर रिपीट हुआ है यहाँ पे ना, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, पहला पेज नंबर दिखा रहा है, नीचे डेट दिखा रहा है, ठीक है। अब जितने पेज होंगे सभी में रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, करंट डेट हो जाएगा, करंट टाइम आप ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फाइल का क्या लोकेशन है पूरा ऐसे ऐड हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पहले टाइम दिखाए फिर फाइल दिखाए, तो ये देख लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है। फाइल का नाम भी ऐसे इंसर्ट कर लोगे आप, बुक वन जिसका फाइल है। सीट का नेम भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए सीट का नेम आ गया, ठीक है। तो वही सब है, पिक्चर ले लो आप, ठीक है, इंसर्ट कर लो। जैसे आप बैकग्राउंड में फोटो सेट करो एक्सेल में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे पेज लेआउट में जाऊंगा, बैकग्राउंड में जाऊंगा, ठीक है, एक या तो प्रीव्यू अभी देखूंगा ना मैं, तो ये इसमें जो है प्रीव्यू, हाँ मैं क्विक प्रिंट खुला रहा हूँ, ठीक है, प्रीव्यू। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करूंगा ना मैं कि डिलीट कर दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है, और जाऊंगा व्यूज में, आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर लूंगा मैं कोई भी पिक्चर, ठीक है, इसको आ गया पिक्चर, इसको एंटर मार के नीचे ले लाऊंगा, फिट करूंगा नीचे, ठीक है। ये देख लीजिए आ गया बैकग्राउंड में। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह में जैसे चाहे इंटर उंटर मार के एडजस्ट वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे जहां आप जिस पोजीशन पे आपको चाहिए, ठीक है, स्पेस वगैरह दबा के ऐसे, ठीक है। तो आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जुगाड़ वगैरह लगा के जो है इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक ना, फोटो वगैरह इंसर्ट आप लोग ऐसे कर लोगे। रिमूव करना है तो हेडर का सारा हटा दीजिए, ठीक है। अगला आपका ये कहाँ में आ गया, पेज लेआउट मेनू में, मैं सोया तो पर्याप्त हूँ लेकिन ऐसे कैसे मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे ये होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तबीयत तो खराब नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं होश में ही नहीं हूँ अपने। इसके बाद क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लिक कर दिया, अब कुछ मैं लिखा तो कहीं हूँ नहीं, तो ये देख लीजिए ऐसा आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ टेक्निक यूज कर लेता हूँ। एक लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी दो लिखता हूँ, दो लिखता हूँ, ठीक है, खींच लूंगा ऐसे, ठीक है, और इसी को जो है रिपीट करूंगा इधर से, ऐसा कुछ हो गया ये रिपीट, ठीक है। मैं इसलिए रिपीट किया हूं कि ज्यादा पन्ना बने, ठीक है, और कोई है नहीं इसमें, ठीक है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में जैसे ही मैं क्लिक किया ये बोल रहा है डोंट सो, मैं बोल दूं या चल मत सो कर। अब ये पेजेस जो है कैसे कैलकुलेट करता है एक्सेल, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो पेज नंबर वन है, फिर नीचे कैलकुलेट करेगा पेज नंबर टू, फिर थ्री, फिर फोर, नीचे कैलकुलेट करेगा पेज नंबर, जहां तक पेज नंबर नीचे हो। मैंने क्या किया है, 21 पेज नंबर तक लिखा है, ठीक है, 21 पेज नंबर के बाद अगले इधर बगल से मैंने लिखना शुरू किया है, तो फिर एक के बगल में इधर आ गया है 22, ठीक है, फिर नीचे गिन रहा है 23, 24, जहां तक लिखा है 23 है, 24 है, 25 है, ठीक है, कंट्रोल डाउन एरो दबाया तो यहाँ 42 तक आ गया, ठीक है, फिर इधर से गिनना स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक गया है, ये पेज नंबर आपका छोटा में दिख रहा है थोड़ा सा 167, ठीक है, यहाँ पे 146 है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होगा कि
पेजेस पेजेस में ब्रेक करके दिखा रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट मारता हूँ पूरा, और इसका साइज भी ऐसे बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसको नॉर्मल करता हूँ क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। कस्टम व्यूज में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, सेटिंग किए रहेंगे प्रिंटिंग वगैरह का, तो उसमें वही आएगा हाइट कॉलम, फिल्टरिंग नेम, ठीक है, व्यूज वगैरह, तो व्यूज वगैरह मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। फुल स्क्रीन जूमिंग में कुछ ऐसा दिखाई देगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये कुछ शो का ऑप्शन है, अब प्रोजेक्टर मेरा कनेक्टर है, रेजुलेशन में कम किया हूँ तो सिर्फ शो दिख रहा है, क्लिक करूँगा तो इतना सब कुछ आ जाएगा। अब ग्रिड लाइन पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ग्रिड लाइन पर फिर से क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बार पर क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। हेडिंग है, हेडिंग पर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, यही सब है इसमें। जूम है 100%, कितना जूम आप, हो सकता है आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाए कि जूम मैक्सिमम कितना होता है, तो आप बोलना मैक्सिमम जूम 400 तक होता है, ठीक है। ऑप्शन में 500 तक होगा तो बोल देना ये 500 तक जूम नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कम इधर से, ठीक है। न्यू विंडो, मैं इसी में यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। अब न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो यही पेज नया विंडो में ओपन कर देगा, दो विंडो में, ये देख लो आप, ठीक है, ये देख लो आ गया यहाँ पे। तो न्यू विंडो से क्या होता है कि वो नया विंडो में ओपन कर देता है। अरेंज ऑल मतलब क्या, अरेंज ऑल टाइटल में क्लिक करूंगा तो इस तरह से अरेंज कर देगा, ठीक है। जितना ओपन रहेगा ना एक्सेल का शीट उतना को सभी को अरेंज करेगा ये। हॉरिजॉन्टल में कर दूंगा तो इस तरह से अरेंज कर दिया आपका, ठीक है। जितना ओपन रहेगा सबको एक ही बार में अरेंज करेगा ये, ये देखिए ऐसे कर दिया, ठीक है। इसमें क्लिक करूंगा तो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये अरेंज कर रहा है ये, ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ एक ठोको रहने देता हूँ। अब ये फ्रिज पेन है, ये थोड़ा काम का चीज है, इसको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इस एक्सेल को चालू करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये हेडिंग है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है मैं कर देता हूँ रेड, फोर टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये है कुछ लिस्ट, ठीक है, इसको मैं पकड़ के खींच लूंगा ऐसे तो आप जानते हैं कि ऐसा बनेगा ये, ठीक है। अब यह कुछ लिखा गया है, मेरे को उससे नहीं है कुछ लेना देना। अब क्या करेंगे इसके बाद जी, कि क्या करोगे, मैं कहाँ था, फ्रिज पेन में ना, हाँ यहीं पे था मैं। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है ना कि रोल नंबर है, अब इसको मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे चला जा रहा है। अब पता नहीं चल रहा है कि इसमें फीस कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ टेक्निक्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि ये वाला हेडिंग ऐसे ही रह जाए, ठीक है, और बाकी स्क्रॉल करूँ तो डेटा ऊपर नीचे जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना जी, यहाँ पे कर दूंगा ऐसे सेलेक्ट, फ्रीज पेन पे क्लिक किया और फ्रीज कर दूंगा ऐसे, तो यहाँ तक फ्रीज किया है ये, इसको मैं अनफ्रीज करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीज टॉप रो, ठीक है, मैं कहीं भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रीज टॉप रो में क्लिक किया, टॉप वाला जो रो है फ्रीज हो गया, लाइनिंग आ गया। अब आप क्लिक करो तो ये हो रहा है स्क्रॉल, लेकिन पहला वाला रो जो है स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक। तो ये इस तरह से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे आप लोग, आसान काम है। अगला इसमें क्या है, अब मान लीजिए आप लोग इसको मैं करता हूं कॉपी, ठीक है, आता हूं इसमें
यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करके कर दिया ऐसे, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मोबाइल क्यों बज रहा है, इसको मैं बंद करना क्यों भूल गया, ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसका भी बैटरी खत्म हो गया, रुकिए मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा चालू नहीं किया था क्या, खराब हो गए हैं आज। इसको मैं कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके, अब आऊँगा इधर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, ट्रांसपोज में क्लिक करके कर दूँगा। क्या मजाक है या कॉपी सच में हो गया? अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये रोल नंबर है, बाकी है, जो भी चीज़ें हैं आप देख ही रहे हो, ठीक है। इस तरह से मैं अरेंज कर दिया हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए मैं पकड़ के खींचूंगा ऐसे ना, तो जो पहले हुआ था वही होगा। अब इसको इधर स्क्रॉल करूंगा तो उधर घुस जा रहा है, ठीक है। तो क्या करूंगा कि मैं इस साइड वाला भी फ्रीज करूंगा, ठीक है। कैसे, यहां पे आऊंगा, देख लो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम क्लिक कर दिया, ये फ्रीज हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लोगे, दिखाई देता रहेगा आपको, ठीक है। रो और कॉलम दोनों फ्रीज करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, आसान काम है, यहां पे मैं करूंगा क्लिक, ठीक है, यहां पे आऊंगा और कर दूंगा अनफ्रीज हुआ अभी, अब कर दूंगा फ्रीज, ठीक। तो इधर वाला जो है ऊपर वाला रो और ये वाला कॉलम फ्रीज हो गया है, यहाँ पे क्लिक किया था इसलिए इधर वाला हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, इधर करूँगा तो ये देख लीजिए कॉलम रो रह गया, ये देख लीजिए हो गया ना। मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ तक फ्रीज हो जाए तो हो जाएगा, पहले अनफ्रीज करो फिर यहाँ तक लाओ, फिर यहाँ पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक, मैं आइकन को देख करके मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये लिखा क्या इतना मेरे को अंग्रेजी नहीं समझता, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन जो दिया है ना इसी को मैं देख के समझता हूँ, आप भी जाओ तो समझ जाओ जी, ठीक है। तो इसमें मैं आऊँगा और कर दूंगा फ्रीज पे, तो ये देख लीजिए इधर पूरा फ्रीज हो गया, करूँगा ये देख लीजिए, ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से आप फ्रीज पेन का इस्तेमाल आप कर लोगे, ठीक है, आसान है, हो जाएगा। ये स्प्लिट वगैरह करने के लिए कुछ है, तोड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पे किया और तोड़ दिया इसको, ठीक है, ऐसे कर लिया। कुछ लोग मैचिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे दोनों को एक साइड देख लिए, ठीक है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो चार भाग में स्प्लिट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो स्प्लिट तोड़ा जाता है स्क्रीन को, जो है कुछ लोग व्यू देखने के लिए भी स्प्लिट कर लेते हैं। सेव वर्क प्लेस, ठीक है, ये सेव वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस वगैरह में सेव करता है, ठीक है। काम का चीज यहाँ पे एक और है, स्विच विंडो, ठीक है, एक आध और मैं खोल लेता हूँ, ठीक ना, ओपन, इनेबल कंटेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्विच विंडो में आऊंगा जी, ये देख लीजिए दो ठो अगर ओपन है तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो, या कंट्रोल टैब भी दबा सकते हो तो ऐसे दूसरा खुलेगा, ठीक है। मेरे पास कुछ पीडीएफ वगैरह है जिसमें शॉर्टकट्स वगैरह सारा लिखा है, ठीक है,
कुछ दो चार शॉर्टकट मैं बता दूंगा और बाकी शॉर्टकट आप कुछ पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैक्रो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फिर भी देख लेना आप, ठीक है। टीम से कुछ डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ होता है, आउटसाइड रिपोर्ट वगैरह बनाना, लिस्टिंग, ठीक है। तो टीम्स तो खैर मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, टीम्स या डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। इस टीम को मैं देखना भी नहीं चाहता यहाँ, तो क्या करूँगा, कस्टमाइज कर लूँगा, ठीक है, हटा देता हूँ ये सब। यहाँ से आप मेनू को ना ला सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। इंसर्ट को भी मैं हटा देना चाहूँगा तो हट जाएगा। गायब सच में हो गया, चलिए सच में गायब हो जाएगा, हो गया। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, टीम नहीं गायब होगा। ये डेवलपर्स वाले में क्लिक करूँगा तो इसमें टीम कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं है ना? चलिए यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह हैं, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा रिमूव तो ये गायब भी हो जाएगा, ठीक है, कर दूं गायब। चलिए जी कर दिया गायब। तो अब डेटा में जाऊंगा तो इधर गेट एक्सटर्नल डेटा जो था वो हो गया गायब, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या, एमएस एक्सेल में कितने मेन्यूज, कितने कमांड, तो बोलना जी आपको जितने चाहिए हम बना के दे देंगे, लेकिन ये फालतू के सवाल हमरे से मत पूछो, हम नहीं देना चाहते उत्तर, ठीक है। ऐसे सच में मत कह देना, नहीं तो वाइवा वाले ने भड़क जाएगा तो नंबर काट लेगा। मुझे तो नंबर का कोई गम नहीं था, तो मैं बोलता था नंबर देना है तो दे दो, ना देना है तो दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर आपको शायद नंबर से फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मत कहना ही था, ठीक है। अगला ये व्यू में अगला मैक्रोज है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस तरह का जो टेबल है ना कई बार बनाता हूं, ठीक है। दो सेकंड का आप लोग टाइम दीजिएगा। कोई एक काम दिया इसको मैं रिज्यूम, कोई एक काम जो मैं बार बार करता हूं, ठीक है। तो बार बार करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म टेक्निक बनाऊं कि बस तुरंत हो जाया करे मेरा, ठीक है। तो उसी के लिए है मैक्रोज, मैं करके दिखाता हूं आप, यानी है समझ जाएंगे जल्दी। रिकॉर्ड मैक्रो पे आता हूं, TABLE, यही है ना, टेबल का स्पेलिंग सही है, ठीक है, जब सही है तो ठीक है। टेबल लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्टकट मैं नहीं असाइन कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, कर दिया ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैक्रो का स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मैं आऊँगा, एंटर मारा, ठीक है, और फिर क्या किया, ऐसे पकड़ा, इसको कर दिया जी बॉर्डर, ठीक है। अब इसमें डेटा हम भरेंगे, ठीक है। इसमें चाहो तो आप वैलिडेशन भी अभी लगा सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ रोल नंबर के लिए लगा रहा हूँ, ठीक, या नेम के लिए मैं एक वैलिडेशन लगा देता हूँ, ठीक है। आऊँगा कस्टम वैलिडेशन पे, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, मैं जो भी काम करूँगा वो रिकॉर्ड कर रहा है वो इंटरनली, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा इज नंबर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया जी। अब इसमें मैं कुछ टाइप करूंगा तो ले लेगा, अक्षर टाइप करूंगा तो नहीं लेगा, ठीक है, एंटर। अब इसी को पकड़ के डबल क्लिक मारूंगा या इधर खींच दूंगा पूरा, ठीक है, कंट्रोल राइट एरो से फिल कर दूंगा पूरा, ठीक है, या फिर ऐसे दबाऊंगा कंट्रोल डी दबा दूंगा, नहीं नहीं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो राइट में पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारा में वैलिडेशन लग चुका, ठीक है, ये पूरे में मैं एक में वैलिडेशन लगाया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाया पूरा सेलेक्ट हुआ और कंट्रोल आर दबा दिया तो राइट में फिल हो गया पूरा, ठीक है। अब फिल कर दिया, ये लग गया, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया अब मेरा, ठीक है।
अब मैं आऊंगा यहाँ पे मैक्रोज पे, इसको कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक, नया सीट इंसर्ट किया। मुझे जरूरत है कि वैसा ही टेबल यहाँ पे भी बन के एक रेडी हो जाए, जैसा जैसा मैं तैयार किया हूँ सारा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा जी, व्यू मैक्रो पे आऊँगा, टेबल वाला है ना, रन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक, क्या बोल रहा है, पेस्ट मेथड क्लास, ओ मैंने पेस्ट कर दिया इसीलिए ये नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं लिखा होता अगर प्रॉपर तो ले लिया होता ये। ठीक है, ये कॉलम क्या क्या है ना आप लोग याद रखना। ठीक है, मैं मैनुअली लिख रहा हूँ अब। ठीक है, इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको। ठीक है, याद रखे हैं ना आप लोग क्या क्या कॉलम था। चलिए मैक्रोज को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो टू। चलिए बताइए जरा क्या था, रोल एनो, हाँ हाँ, पिन फीस था, पिन इतना ही था ना। इसको मैं कुछ इस तरह से फॉर्मेट किया रहा हूँगा, इसको ऐसे, इसको वाइट। ठीक है, और फिर सबको सेलेक्ट करके मैं बना दिया था किसमें, टेबल में, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो बॉर्डर कर दिया तो टेबल बन गया। और इसमें वैलिडेशन भी मैं फिट किया था शायद, वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आया कस्टम वैलिडेशन इक्वल टू का साइन और इज एन यू एम बी ई आर। ठीक है, ऐसे 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 इंटर। ठीक, टेस्ट कर लेते हैं, नहीं ले रहा है, नंबर देंगे तो ले लेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पे माउस लाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल प्लस आर, पूरा आखिरी तक जो है वैलिडेशन लग गया। टेस्ट कर लेते हैं, ले लिया, ये डाला, नहीं ले रहा है, तो इस तरह से वैलिडेशन पूरा फिट हो गया। आप नेम के लिए भी फिट करो, क्लास के लिए भी, फीस के लिए भी, पिन कोड के लिए भी, क्लास के लिए चाहो तो ड्रॉप डाउन बना लो आप। ठीक है, जैसे राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ पे कर लूंगा लिस्ट वैलिडेशन। ठीक है, सोर्स में कुछ नहीं दूंगा, डी सी ए लिख दूंगा, डी सी ए कॉमा बी सी ए, एंटर, पूरा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मारूंगा, कंट्रोल आर कर दूंगा, अब हर जगह पे जो है ड्रॉप डाउन मेनू बन गया ये। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आके मैक्रो को कर दूंगा स्टॉप, मेरा काम हो गया। ठीक है, स्टॉप कर दिया, आता हूँ यहाँ पे, माउस पॉइंटर मेरा यहाँ है, अब यहाँ पे आके कर दूंगा व्यू मैक्रो, मैक्रो टू है, इसको क्या कर दूंगा रन। अपने आप देखिए टोटल काम मेरा तैयार, वैलिडेशन चेक करता हुआ है कि नहीं, जी वैलिडेशन तो काम कर रहा है। ठीक है, क्लास में भी ड्रॉप डाउन मेनू आ ही रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं बनके रेडी हो गया है। ठीक है, आप क्या काम करो, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनाओ, फॉर्म तैयार करो, कुछ भी बनाओ, मैक्रोज रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए इसको यहाँ पे मैं क्या किया, मैक्रो रिकॉर्ड में क्लिक कर दिया मैक्रोज थ्री। ठीक, इन सब को यहाँ पे आऊँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दिया मैं। ठीक, अब यहाँ पे आऊँगा, स्टॉप मैक्रोज कर दिया। ठीक, कर दिया ना, अब देखना सेम यही काम रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा व्यू मैक्रोज, मैक्रो थ्री था मेरा। ठीक है, रन कर दिया, ये देखिए सातवां मैक्रो, सातवां को अपने आप बनाया, यहाँ पे क्लिक करके सातवां बना के पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर से मैं आऊँगा व्यू मैक्रो, फिर से चला दूंगा तीसरा वाला मैक्रो को। ठीक है, ये देखिए पेस्ट कर दिया ना लाके यहाँ पे, तो ऐसे ही मैक्रोज काम करता है। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करना है तो कैसे करेंगे जी, ये सेव पे क्लिक करूं मैं, मैक्रो फ्री सेविंग एज अ कंटिन्यूस, मैं इसको करता हूँ क्लोज, डेटा वन था,
उस वर्कबुक का नाम ही मैं भूल गया, डेटा था या डेटा वन था, ये था ना। आता हूँ व्यूज में, ठीक है, व्यू मैक्रो सारा गायब हो गया जी। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, ये तो मज़ा नहीं आया जी, ये इसे कैसे गुजारा होगा। फिर से मैं क्या करता हूँ, मैक्रोस तैयार करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, ओके, यहाँ पे आया, कंट्रोल सी किया, इस वाले में आया, एंटर कर दिया, पेस्ट हो गया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। फिर से मैक्रो पे गया, व्यू मैक्रो, रन मैक्रो किया, तो यहाँ पे एक सीट बना और पेस्ट हो गया, हो गया ना। अब मैं इसको क्या करूँगा जी, सेव एज करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खोजना शुरू करता हूँ, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, मैं इसमें सेव करूँगा, ठीक है, और कर दिया सेव, ठीक। अब करता हूँ इसको क्लोज, ठीक है, कहाँ गया मेरा, ये वाला है क्या, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, बोल रहा है मैक्रो हैज बीन डिसेबल्ड, मैं इनेबल कंटेंट किया, ठीक है। मैक्रोज पे आता हूँ, व्यू मैक्रोज पे, ये देखिए अब मेरा मैक्रोज जो है, मैं बना के जो रखा था वो मैक्रोज तो है ना मेरा। अब फिर से इसको कर दूंगा रन, तो फिर से अगला सीट इंसर्ट करके डाल दिया, ठीक है। तो जिस एक्सेल सीट में मैक्रोज हो उसको सेव कैसे किया जाता है, तो सेव एज में जाना है आपको, मैक्रोज वगैरह रिकॉर्ड करके, और एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में क्लिक करके किया जाता है, ठीक, समझ में आ गया। फिर से बोलूं, जिस वर्कबुक में आपने मैक्रोज रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है, उसको सेव आपको करना है। नॉर्मल अगर आप सेव कर देंगे तब तो दोबारा ओपन करेंगे तो मैक्रोज दिखता ही नहीं, जैसा कि आपने अभी देख लिया प्रैक्टिकल। तो ऐसे वर्कबुक को जो मैक्रोज जिसमें रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैक्रोज जिस वर्कबुक में है उसको सेव कैसे करना है, सेव एज में जाना है और फिर एक्सेल मैक्रोज इनेबल वाले में क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है, तब आपका मैक्रोज रहेगा, ठीक। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ इंसर्ट वाले में, सैप लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं ऐसे पकड़ के बना लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक मैं किया, यहाँ आ गया असाइन मैक्रो, इस पे मैं क्लिक किया, इस मैक्रो पे क्लिक किया, ठीक है। एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं हम मैक्रोज को, ये VBA का टेक्निक है, प्रोग्रामिंग है VBA का, ठीक है, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। असाइन किया मैक्रोज, ठीक है, क्लिक रिकॉर्ड, ठीक है, दिस वर्कबुक, ठीक है, मैक्रोज का नेम बोल रहा है ये, नहीं मैं कुछ भूल रहा हूँ, असाइन कर देंगे यहां से मैक्रोज, ठीक है, कर दिया मैं ओके, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे आऊंगा, ये देखिए बन गया ना सीट इधर, तो कुछ सीट को मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, कुछ सीट ऐसे मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस पे जी आके क्लिक किया, सीट दसवां में आ गया, फिर इस पे आया, इस पे क्लिक किया तो इस पे आ गया। अब इस पे बार बार मैं आ रहा हूं, इस सीट पे क्लिक करके मेरे मैक्रो को स्टॉप किया होता तो हो जाता, इस पे क्लिक करूंगा तो फिर आ गया, आ रहा है ना, कितना बढ़िया टेक्निक है। अब इसमें मैं राइट क्लिक करके, इसमें मैं राइट क्लिक करके अब इसमें टेक्स्ट को एडिट कर देता है, बोल देता क्लिक CLIC के, ठीक है, तो क्लिक का ऑप्शन आ जाता है, देख लीजिए आ रहा है ना। तो इसी तरह से आप कुछ काम कर लिया करना, ठीक है। छोटा सा एक और प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ नेम क्लास, ठीक, कंट्रोल सी किया, इसमें आया,
राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया, ट्रांसपोज पे क्लिक किया, कर दिया ओके, यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्या करूँ, मैं व्यूज, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, क्लास कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैक्रोज पे जाऊँगा। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज, मैक्रो टू रिकॉर्ड किया मैं। ठीक है, ओके, अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इस पे आया, यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया, नो जेड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐसे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा और ऐसे पेस्ट करूँगा तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस पे आऊँगा, डिलीट बटन दबाया, ये डेटा डिलीट हो गया। ठीक, अब मैक्रोज को मैं कर दिया इंस्टॉल। ठीक, एक तो मैं इंसर्ट में जाके स्वैप ले लेता हूँ जी। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट करता हूँ, बोलता हूँ ऐसे सेव। ठीक है, असाइन मैक्रोज, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैक्रो टू था ना आखिरी वाला, क्लिक कर दिया जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक किया तो क्या हो गया जी, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे फिर आता हूँ, SEM Enter DCA। ठीक है, फिर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखिए यहीं पे ये डेटा पेस्ट हो रहा। कितना अच्छा होता ना, अगले रो में अपने आप पेस्ट होता जाता, होता ना। चलिए, इतना तक तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, आप लोग क्या काम करना, थोड़ा जुगाड़ उगाड़ कुछ लगाना, ठीक है, कुछ फॉर्मूला लगाना, कुछ कंडीशन लगाना, और आप बनाने का कोशिश करना कि क्या ऐसा टेक्निक बनाया जाए, ठीक है, जिससे पेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखें, यहाँ पे कुछ लिखें, क्लिक कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, अगले रो पे अपने आप पेस्ट होने लगे। ठीक है, कुछ टेक्निक जुगाड़ ऐसा कुछ सोचना। ठीक है, एक ठो फॉर्मूला मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ कंडीशन आपको लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इक्वल टू का साइन दोगे, इफ लिखोगे, या फिर फॉर्मूला आप अगर ऐसे नहीं लिख सकते ना सिंटेटिकली, तो शिफ्ट F3 दबाओगे, फॉर्मूला इंसर्ट करने का, कट गया लाइट, आ गया ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाएगा, लाइट आ जाता है, तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। क्या करेंगे, फंक्शन इंसर्ट करूंगा मैं एक तो शिफ्ट के साथ F3 दबाऊंगा। ठीक है, तो फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट आ जाएगा, इफ वाले में क्लिक किया, यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, मान लो टमाटर 10 रुपए केजी है तो खरीद लो, अन्यथा मत खरीदो, मेरा ऐसा कहना है। ठीक है, अब एक्सेल को कैसे मालूम, तो उसके लिए इफ का कंडीशन है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे इस बॉक्सेस में जो है आप लिखोगे। ठीक, इफ को बताना मैं भूल रहा था, अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि इफ वगैरह का इस्तेमाल शायद होगा, वो मैक्रोज में जो क्लिक करके मैं सेव करने के लिए बोला हूं आप लोगों को, तो शायद इफ वगैरह का इस्तेमाल होगा उसमें, शायद का होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे जी, 10 रुपए के जी हमको टमाटर चाहिए, डेटा कहां रखेंगे, 10 रुपए यहां। ठीक, ये अगर बराबर है 10 रुपए के तो क्या करो, टमाटर खरीद लो, नहीं है तो क्या करो, टमाटर मत खरीदो। ठीक है, तो अगर ये होता है फाल्स, ठीक है, या ट्रू, तो उसके आधार पे कंडीशन होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे रखा जाएगा डेटा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा टेक। ठीक है,
अगर 10 रुपए के जी टमाटर है तो क्या करो, खरीद लो जी, ठीक खरीद लो, ठीक। नहीं है तो क्या करो, छोड़ दो, मत खरीदो, ठीक है, मत खरीदो, ठीक। अगर 10 रुपए के जी टमाटर है तो खरीद दो, नहीं है मत खरीदो। समझ में आ रहा है, कर दिया मैं ओके। यहां पे आ रहा है मत खरीदो, क्यों? क्योंकि मेरे को डेटा यहां देना है। अब 10 रुपए लिखूंगा, बोल दिया खरीद लो, 20 रुपए है मत खरीदो जी, ठीक है। अब यहां पे 10 रुपए के जगह 5 रुपए है तब तो खरीदना चाहिए ना, फिर भी ये बोल देगा मत खरीदो। इसके लिए क्या करना चाहिए जी हमें, इसके लिए भी कंडीशन लगाना चाहिए। क्या करूंगा, इफ माने अगर, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू, ठीक, लेस देन इक्वल टू माने छोटा है या बराबर है 10 के, कौन बराबर है, D3 सेल एड्रेस में जो टाइप किया है वो 10 से अगर छोटा है या बराबर है, तब क्या करो, कॉमा दे दो, फिर डबल कोट में यहाँ पे लिख दो कि ट्रू होने पे कंडीशन क्या होना चाहिए। तो जी 10 रुपए किलो अगर है टमाटर या उससे कम है तो खरीद लो, या फिर अगर नहीं है तो क्या करो, तो कॉमा देने के बाद यहाँ पे मत खरीदो में लिख दो, ठीक, कर दिया एंटर। देखो एक लिखूंगा खरीद लो जी, 0 लिखूंगा खरीद लो जी, 5 लिखूंगा खरीद लो जी, 8 लिखूंगा खरीद लो जी, 10 लिखूंगा तो भी खरीद लो, 11 रुपए दे रहा है तो मत खरीदो, आ गया मत खरीदो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशंस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 11 टाइप करता है तो आप कहना चाहते हैं दुकान वाले को जी 10 रुपए लगा दो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे जी, इसी में थोड़ा और कर देंगे हम कंडीशन, ठीक है। चलिए फिर से इफ किया, ठीक है, और यहां पे फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूं कि इसमें क्या है, ठीक है। मत खरीदो, इसको बोल दो 11 रुपए लगा दो, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन का तो जरूरत है नहीं हमें, यहां पे ही लिख दूंगा 11 रुपए लगा दो, ठीक है। अरे 11 में क्यों लिख दिया, यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था ना मुझे, 10 लगा दो जी, ठीक है। अब 10 रुपए ये लगा दिया तो बोल दिया खरीद लो, और नहीं लगाया तो मत खरीदो, ठीक है। तो ये इफ का कंडीशन है, फिर से बता दो, समझ में आ गया, फिर से बता देता हूं, ठीक है। टमाटर के अभी केस में बताया, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है, DCA अगर मैं सेलेक्ट करूं यहां पे, ठीक है, यहां पे डेटा में आता हूं, वैलिडेशन में आता हूं, रिकॉर्डिंग चालू किया नहीं किया, यहां पे आता हूं, ठीक है, लिस्ट में आता हूं, DCA, ठीक है। अगर DCA है, ठीक है, तो क्या करो, ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक कोर्स में लिया हूँ, ठीक है, DCA, ठीक। अगर यहाँ पे DCA है, ठीक है, लेकिन मैं वैलिडेशन किया हूँ क्यों हूँ, अभी तो मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए नहीं, मुझे तो एक ठो सिर्फ चाहिए, क्लियर करता हूँ टोटल में, ऑल क्लियर, ठीक है। यहाँ पे अगर DCA लिखता है, ठीक है, तो उसका फीस कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो लिखूंगा मैं इक्वल टू का साइन दूंगा इफ, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट, ये सेल एड्रेस दूंगा, फिर लिखूंगा इक्वल टू कितना होना चाहिए अगर है DCA तो फीस कितना होना चाहिए जी, कॉमा दूंगा, लिख दूंगा जी 12,000 रुपये, ठीक है, या 15,000 लिख दूंगा, 20,000 लिख दूंगा, 50,000 लिख दो जी, ठीक है, कर देता हूं मैं एंटर, ठीक है। अगर DCA, अब यहां पे ए कर दिया तो आ गया फाल्स, यहां पे लिख दूंगा DCA तो आ गया ये, ठीक है, समझ में आया नहीं आया होगा। यहाँ पे एल्स के भी कंडीशन में कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है,
जैसे और पैसे दे दो या कुछ कर दो, ठीक है। तो यही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं जी, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अन्यथा मैं बंद करूं। कुछ पूछना है? प्रैक्टिकल करोगे? कुछ पूछना है? नहीं पूछना क्या? नहीं समझ? हाँ, ईमेल वाला सबसे पहले बताया ना, फिर से बता दूं? फॉर्मूला सिर्फ बताऊं क्या फॉर्मूला था? वो इक्वल टू का साइन इज एन यू एम बी ई आर, नंबर, फिर उसके बाद मैच, ठीक है, स्टार, एट द रेट स्टार, ठीक है, डॉट, क्वेश्चन मार्क, स्टार। स्टार स्टार इसलिए दिया जा रहा है ना कि वहां पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है, डबल कोट, कॉमा, लुकअप वैल्यू यहां से उठा ले, यहां पे रहेगा मेरा ईमेल, कॉमा, जीरो दे दूंगा मतलब, अरे जीरो दूंगा मतलब एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, मैच वाला, अब इस नंबर वाला, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहां पे मैं ईमेल टाइप कर दूं, फाल्स आ रहा है, कुछ ऐसे टाइप करके, एट द रेट करके, फिर डॉट करके, फिर कुछ टाइप कर दिया तो ट्रू आ गया, देखो, ठीक है। अब यही जो है राइट क्लिक करके मैं रिमूव कर देता हूँ हाइपरलिंक पहले। अब मैं एट द रेट को अगर हटा दूँ तो फाल्स आ जाएगा जी, ठीक है। एट द रेट लगा दूँ तो ट्रू आ गया, मतलब वैलिडेशन ट्रू हो गया, ठीक है। अब वही डॉट को हटा दूँ तो भी फाल्स आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये है ईमेल वैलिडेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे है, देख लो। अब इसी को वैलिडेट करना है ना, कट कर दिया मैं इसको, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कस्टम में चला जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वो फॉर्मूला, एंटर कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन लग गया अब, ठीक है। अब हटा दूंगा एट द रेट को तो नहीं ले रहा है, अब वही कुछ भी लिख के, एट द रेट लिख के, कुछ भी लिख के, डॉट करके, कुछ भी कर दूंगा तो ले लेगा, यही है और बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? यही है, फोटो फाटो खींचोगे शायद इसका, या लिख लो, लिखोगे तो अच्छा होगा, लिख लो। रुको, गड़बड़ हो गया फॉर्मूला। विंडोज आर विनवर्ड पेस्ट नहीं होगा क्या? कॉपी यहाँ पे सेल एड्रेस आप देना जहां पे ईमेल आपका होगा। यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बंद कर दो, बंद कर देता हूं। कुछ पूछना है? नहीं पूछना? पूछना है, बंद कर देता हूं। पूछना तो उस समय बता।